हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज गगन। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका इनिशियल पार्ट्स है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे देखेंगे हमें डॉस के बारे में। कोशिश करूंगा मैं आपको काफी अच्छे समझाऊं। इसमें आप कई तरह के कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एमए डॉस क्या है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। एमए डॉस सन 1984 में इंटेल 80286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किए गए। तब इनमें एमए डॉस 3.0 और एमए डॉस 4.0 वर्जन का विकास किया गया। 1984 में इंटेल ने इसको डेवलप किया एमए डॉस 3.0। जी हाँ, पहले इसका नाम डॉस ही था, बाद में इसका नाम एमए डॉस हो गया। और वो क्यों हो गया, इसको परचेस कर लिया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया क्योंकि ये अधिकतर डिस्क से संबंधित इनपुट आउटपुट कार्य करते हैं। इसमें आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे वो डिस्क से ऑपरेट होता है, जिससे आप कई सारे डिस्क ऑपरेटिंग संबंधित कमांड्स को कर सकते हैं। पहले कंप्यूटर केवल हम वैज्ञानिक तथा रक्षा विभागों कामों के लिए उपयोग किए जाते थे। पहले कंप्यूटर का उपयोग जैसे हम करते थे, आजकल ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने से मतलब मेरा कुछ टाइम पहले से है, इस टाइम पर कंप्यूटर को केवल इस तरह के फील्ड्स में यूज किया जाता जहां टेक्निकल्स या कुछ साइंटिफिक रिसर्च हो रही हो। लेकिन आज कंप्यूटर को लगभग हर तरह की फील्ड्स में जरूरी कर दिया गया है। तो वैज्ञानिक और रक्षा विभागों कामों के लिए कंप्यूटर किए जाते थे, लेकिन बाद में इन्हें आम लोगों के लिए प्रचलन में लाया गया। इसलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी जो यूजर्स के लिए भी चलाने में आसान हो। पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, कॉम्प्लेक्स थे। उनको चलाने के लिए अच्छी नॉलेज होना जरूरी थी प्रोग्रामिंग की, वही लोग उसको ऑपरेट कर पाते थे। इसके साथ ही उन्होंने यूज किया ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपको मदद करता है, आप कई तरह के काम कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि सभी यूजर्स के लिए फायदेमंद रहता है। यह कंसोल मोड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें माउस का उपयोग नहीं होता था, न ही इससे हम ग्राफिक्स के साथ कुछ काम कर सकते थे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, जैसे आप विंडोज या विंडोज 8.1 यूज करते हैं, ये काफी एडवांस विंडोज है, आप इनको आराम से यूज कर सकते हैं माउस की मदद से। लेकिन पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम था एमए डॉस, वो कंसोल मोड आधारित सिस्टम था जिसमें आप केवल कीबोर्ड का यूज करते थे और कमांड्स की मदद से काम करते थे, ना कि माउस की मदद से। इसमें हम ग्राफिक्स के साथ साथ कुछ काम कर सकते थे। इसमें बस फाइल्स के लिए डायरेक्टरीज बनाई जा सकती थी, जिसका भी उपयोग केवल टेस्ट के लिए हो सकता था। यानी आप इसमें कोई डिजाइनिंग वर्क नहीं कर सकते थे, आप केवल फाइल्स क्रिएट कर सकते थे, उनको मैनेज कर सकते थे और अपने कुछ निर्देश इसमें एग्जीक्यूट कर सकते थे। इसके अदर आप कोई अदर जो वर्क आज आप एमएस वर्ड पर कोई डिजाइनिंग कर या केवल ड्रॉ कर यूज करते हो, वो सब इसमें नहीं होता था। ये काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम बोल सकते हैं सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज एमएस डॉस। डॉस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीद लिया गया, इसी वजह से इसका नाम एमएस डॉस रखा गया, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। एमएस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस डॉस को हम किस तरह से कंप्यूटर में ओपन करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर में रन में जाकर सीएमडी टाइप कर भी इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर दबाएं तो आपका रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप इस रन डायलॉग बॉक्स में लिखिए सीएमडी और इसे कर दीजिए आप ओके। देखिए एमए डॉस आ गया, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। विंडोज एक्सपी में ये फुल स्क्रीन सपोर्ट करता है, लेकिन विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 में फुल स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता। तो अभी मेरे कंप्यूटर विंडोज 8 इंस्टॉल है तो इस पे नहीं चलेगा। अब देखिए आप यहाँ पे इसमें ये कुछ कमांड्स हैं, ये ब्लैक स्क्रीन है। आज हम इसमें माउस की मदद कर पा रहे हैं क्योंकि मैं विंडोज पे इस पे ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन पहले के टाइम पे जब भी कंप्यूटर ऑन किया जाता था तो केवल एमए डॉस ही ओपन होता था, केवल कीबोर्ड से हम काम करते थे। अभी विंडोज ने सुविधा दी है हम कि एमए डॉस को विंडोज में भी चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड्स के बारे में जानते हैं, मैं थोड़ा भी इसको मिनिमाइज करता हूं। कंप्यूटर में रन में जाकर आप सीएमडी टाइप कर सकते हैं, जैसा अभी हमने किया। आप इसके बाद हम एंटर। अब देखिए इसमें मुख्य था 35 कमांड, यानी कि 35 कमांड होती है। वैसे तो बहुत सी कमांड है लेकिन यह मुख्य है। इन 35 कमांडों को आज हम सीखेंगे। एमए डॉस में जब आप कमांड्स के बारे में काम करना सीखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कमांड्स को लगाना लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप कमांड किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से आप उनको यूज कर पाएंगे। इसके लिए कुछ बेसिक कमांड्स अपन ने ली है 35, इनको आप लगाने के बाद आराम से एमए डॉस में काम कर पाएंगे। और इसे करने के बाद फिर आगे आप जो भी प्रोग्रामिंग या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको उसमें भी काफी आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं DIR। इस कमांड की मदद से हम डॉस में बनी हुई डायरेक्टरी तथा फाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। और इसको लगाते कैसे, इसका सिंटैक्स है, आप DIR लिखें और एंटर कर दें। कहां पे, एमए डॉस में। देखिए जाते हैं एमए डॉस पर, एमए डॉस, मैंने यहां पे लिखा DIR और इसको मैंने कर दिया एंटर। तो देखिए एमए डॉस यहां पे है, जो वो स्टार्ट हो गया। एमए डॉस के अंदर मैंने कमांड लगाई, वो स्टार्ट हो गई। तो कमांड्स क्या काम करेगी, बनी हुई डायरेक्टरी और फाइल्स, यानी कि जो भी डायरेक्टरी और फाइल बनी है उनकी लिस्ट को मुझे स्क्रीन पे दिखा देगी।
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल आ गया, लेकिन इसमें तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डायरेक्टरी क्या फाइल। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे जो फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वन फाइल लिखा हुआ है और यहाँ पे 27 डायरेक्टरीज लिखी हुई है, यानी कि जो हमने लिस्ट देखी यूजर्स जीएनवी के अंदर, यानी कि इस फाइल में इस कंप्यूटर के अंदर ये डायरेक्टरीज और ये फाइल की लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें एक फाइल है और 27 डायरेक्टरी। आप इसको पहचानेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे जिसके आगे नंबर लिखे हैं उनको हम फाइल बोलेंगे और जिसके सामने DIR लिखा हुआ है वो डायरेक्टरीज है, यानी कि ये TTTT नाम की ये डायरेक्टरी है और ये WW नाम की डायरेक्टरी है और ये वीडियोस नाम की डायरेक्टरी है, लेकिन गुना नाम की ये फाइल है। तो ऐसे कितनी डायरेक्टरीज हैं? 27 और फाइलें कितनी है? 51। अब ये तो हो गया कि डायरेक्टरी कौन सी है, फाइल कौन सी है, लेकिन डायरेक्टरी होती क्या है? तो देखिए डायरेक्टरी वो जो एक कवर का काम करे, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है तो हम उसे एक डायरेक्टरी बोलेंगे, और अगर आपके पास एक सिंपल पेपर है तो आप उसे फाइल बोलेंगे। तो देखिए फाइल और डायरेक्टरी में क्या अंतर हुआ, डायरेक्टरी वो जो एक कवर है जिसके अंदर फाइलें हैं, यानी रजिस्टर का कवर डायरेक्टरी है और उसके अंदर बहुत सारी फाइलें हैं और फाइलों के अंदर कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे कि आपकी डायरेक्टरी रजिस्टर है उसके अंदर एक पेज होगा तो उस पेज में कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, लेकिन डायरेक्टरी के ऊपर कुछ लिखा नहीं होता नाम के अलावा। आप अपने रजिस्टर के फ्रंट पे नाम के अलावा और कुछ नहीं लिखते। बिल्कुल उसी तरह से जब डायरेक्टरी बनती है तो नाम ही लिखा जाता है, और फाइल कब बनाई जाती है? डायरेक्टरी के अंदर कुछ फाइलें बाहर भी होती हैं, जैसे आप एक सिंपल सा एक पेज पेपर निकाल लें फाइल में से तो वो एक पेज जो है वो एक फाइल है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ये 51 जो बता रहा है, ये बता रहा है कि गुना नाम का एक पेज है जिसपे 51 वर्ड लिखे हैं, यानी 51 शब्द लिखे हुए हैं, और जबकि ये कहें डायरेक्टरी है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी फाइलें और बहुत सारी डायरेक्टरियां हैं। किसके अंदर? इन लिस्ट के अंदर जो अपन DIR से देख पाए, 27 डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल है, और जबकि ये बस एक सिंगल फाइल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो समझ आया फाइल क्या है? डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी मतलब एक कवर का काम करेगा, डायरेक्टरी मतलब रजिस्टर, और फाइल मतलब एक पेज। तो इस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी हैं वो सब के सब आ जाएंगे। डायरेक्टरी का आप एक और नाम बोल सकते हैं फोल्डर। देखिए ये सी ड्राइव में आप जाएंगे तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? डायरेक्टरीज। येलो येलो कलर आप देख रहे हैं डायरेक्टरी। आप समझते हैं इसके अंदर क्या है? इसके अंदर और भी कई कुछ है, जैसे खाली है ये, तो अब मैं इसको खोलूं। देखिए ये सॉरी इसको अपन खोलते हैं। देखिए ये डायरेक्टरी और ये फाइल है, तो जिसके अंदर कुछ रखा हो वो फोल्डर यानी कि वो डायरेक्टरी, और जिसके अंदर केवल कुछ फाइल हो तो वो फाइल है। देखिए ये फाइल है, ये फोल्डर है, फोल्डर मतलब डायरेक्टरी, फाइल मतलब वो वर्ड की फाइल या एक्सेल की फाइल, कुछ भी फाइल हो सकते हैं। अभी अपन यहाँ काम कर रहे हैं वो अपन सी ड्राइव में, सी ड्राइव में हम काम कर रहे हैं यूजर्स के अंदर, यूजर्स में आप काम कर रहे हैं GNV। तो ये लिस्ट जो आपको दिख रही है वो लिस्ट आपको यहाँ पीछे दिख जाएगी, क्योंकि हम कहाँ हैं? यूजर्स के अंदर GNV, हम कहाँ हैं? यूजर्स के अंदर GNV। तो ये लिस्ट आपको शो कर रहा है, इसमें कितनी फाइलें? देखिए एक ही फाइल है गुना नाम की, ये फाइल लिखा है इसके सामने, और ये सब फोल्डर क्या है? डायरेक्टरी। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं, DIR/P। इस कमांड की मदद से हम DOS से बनी हुई सभी डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को पेज वाइज देख सकते हैं, यानी जो लिस्ट हमने अभी देखी थी DIR से उसी लिस्ट को हम पेज वाइज देख सकते हैं। इसके लिए फिर से आप DOS पे जाइए, यहाँ पे आप कमांड लगाइए DIR/P। देखिए DIR/P आपने लगाया तो यहाँ पे लिस्ट वही की वही लिस्ट फिर से आ गई। इससे क्या होता है, आप इसको पेज वाइज देख पाते हैं। अभी तो लिस्ट बहुत छोटी है तो हमें एक ही पेज पे दिख गई, अगर लिस्ट काफी बड़ी होती तो अब जो स्क्रीन साइज तो कम ही होता है इसका, तो लिस्ट क्या होता है? फुल हो जाती है, यहाँ पे यहाँ तक या यहाँ तक फुल हो जाती है और कुछ टाइम ऊपर निकल जाते हैं, तो हम उसको एक पेज में या दूसरे एक एक करके देख सकते हैं। तो DIR/P से हम इस लिस्ट को पेज वाइज देख सकते हैं। अगली कमांड देखते हैं DIR/W। इस कमांड की मदद से DOS से बनी हुई सभी डायरेक्टरी तथा फाइल की लिस्ट को वर्ड वाइज देख सकते हैं। जी हाँ, वर्ड वाइज। देखिए DIR से हम लिस्ट को पूरी की पूरी देख रहे हैं, DIR/P से हम उसी लिस्ट को बस पेज वाइज देख पाएंगे ज्यादा होंगे तो, और W से हम उसको वर्ड वाइज देख पाएंगे। अब देखिए वर्ड वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे आप एंटर करें तो देखिए केवल नाम ही नाम आएंगे आपकी लिस्ट में। देखिए जो हमने पहली कमांड लगाई थी DIR, इससे क्या हो रहा था, डायरेक्टरी और फाइल दोनों आ रही थी, और यहाँ पे बता रहा है गुना नाम की ये फाइल है, ये 7:37 पर उतनी तारीख को बनी, ऐसे हर एक का डिटेल्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने DIR/W लगाया तो केवल क्या होगा, केवल उनके नेम आएंगे, उनके डिटेल्स नहीं आएंगे। W का मतलब यहाँ होगा वर्ड, यानी कि आप उसी लिस्ट को केवल वर्ड वाइज देख पाएंगे। ये जो कमांड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी देखने वाली कमांड्स हैं अभी, यानी कि आप पहली जो कमांड है DIR, इससे आप डायरेक्टरी और फाइल की लिस्ट को देख रहे हैं, और उसी लिस्ट को आप पेज वाइज देख रहे हैं, और उसी लिस्ट को आप वर्ड वाइज देख रहे हैं। अगली कमांड देखते हैं DIR/S। इस कमांड से हम उसी लिस्ट को, ठीक है, इस कमांड की मदद से DOS से बनी हुई सभी डायरेक्टरी फाइल की लिस्ट को डायरेक्टरी के अंदर बनी हुई सब डायरेक्टरी और सब फाइलों को देख सकते हैं। देखिए कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जब आप DIR लगाते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल्स आ जाते हैं, और आप जानते हैं डायरेक्टरी क्या होती है, वो जिसके अंदर और भी बहुत सारी फाइलें हैं।
आप एक कमांड यूज करेंगे dir oblique s। इस कमांड से क्या होता है, तो dir oblique s ये कमांड इन डायरेक्टरी के अंदर बनी हुई सबकी सब डायरेक्टरी और सबकी सब फाइल सबको दिखा देती है। dir तो केवल ऊपर ऊपर की दिखाएगी और dir oblique s उनके अंदर की भी दिखाएगी। आप इसको एंटर कीजिए तो इस कमांड जितनी फाइल डायरेक्टरी है वो सब आ जाएंगे और ये लगभग बहुत है, ये लिस्ट खत्म भी होगी लेकिन थोड़े टाइम बाद, जब तक कि पूरी लिस्ट कंप्लीट ना हो जाए। तो अब इन हमें रोकना पड़ेगा कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस सी से हम इस लिस्ट को रोक सकते हैं। अब ये लिस्ट हमें पढ़ने में नहीं आ रही थी तो हम एक कमांड का यूज और करेंगे एस और इसी के साथ मिला देंगे हम पी। पी से हम जानते हैं पेज वाइज आती है और dir oblique एस से सबकी सब फाइल है, सबकी सब लिस्ट आती है। तो आप इसको एंटर कर दें तो देखिए वही लिस्ट आ गई जो अभी कंटिन्यूस आ रही थी, अब वो मेरे एंटर दबाने पर या कोई भी की दबाने पर आएगी। तो एक लिस्ट दूसरी लिस्ट वो लिस्ट आती रहेगी। अब इसको मैं पढ़ सकता हूं और इसको भी रोकने के लिए कंट्रोल प्लस सी। तो आप dir oblique s की मदद से बनी हुई सभी डायरेक्टरी फाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। इसके बाद dir oblique a, इस कमांड की मदद से आप डॉ से बनी हुई सभी फाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। जी देखिए कैसे, dir oblique a ये क्या करेगा, ये केवल आपकी फाइलों की लिस्ट को दिखा देगा। dir अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्टरी फाइल दोनों आती है, लेकिन अगर आप dir oblique a लगाते हैं तो इससे केवल और केवल फाइलों की लिस्ट आती है। देखिए डायरेक्टरी कितनी है, यहाँ जीरो और फाइलें कितनी है साथ, ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में हैं, आपने अगर dir लगाया तो आपको डायरेक्टरी फाइल दोनों दिखेंगे यानी किताबें और पेजेस दोनों दिखेंगे, लेकिन आपने अगर बोला dir oblique a तो आपको केवल केवल जो पेजेस बाहर पड़े हुए वो दिखेंगे, आपको जो किताबें जो डायरेक्टरीज हैं वो नहीं दिखेंगे, केवल आपको दिखेंगे फाइलें। लेकिन आप लगाते हैं dir oblique ad जो अपनी अगली कमांड है, इससे आप केवल डायरेक्टरी को देख सकते। देखिए सबके सामने dir लिखा है तो फाइलें कितनी है जीरो, डायरेक्टरी कितनी है 39 यानी उन चार डायरेक्टरीज हैं। इस कमांड की मदद से हम डॉ से बनी केवल डायरेक्टरी लिस्ट को देख सकते हैं। अगला है इस कमांड की मदद से हम डॉ से बनी छुपी हुई ah, मतलब हिडन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अभी जो मैंने बताया dir, तो आप इसमें देख रहे हैं एक फाइल है, लेकिन जब मैं लगाता हूँ dir oblique aa तो इसमें कई सारी फाइलें आ गई। तो अभी मैं बोल रहा था कि ए से तो केवल फाइलों की लिस्ट आती है, लेकिन फाइल तो एक ही है तो साथ क्यों दिखा रहा है, तो छह जो लिस्ट है वो छुपी हुई थी, हम चाहते हैं दोनों को साथ में देख सके। तो ah लगा दें आप, तो ah क्या करता है, जो dir करता है, dir से डायरेक्ट फाइल दोनों लिस्ट आती है, dir oblique as से भी आती है, लेकिन dir as से छुपी हुई लिस्ट आती है जो इसमें ये इतनी सारी फाइलें, सात फाइलों में बायोडाटा छुपी हुई है जो dir आने पे नहीं दिखती, वो dir oblique as लगाने पे दिख जाती है। देखिए अगली कमांड देखते हैं हम as, ठीक है। तो आपको समझ आई होंगी कमांड्स, आगे इसके और कमांड्स हैं, आगे अपन अगली वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा नहीं तो। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी आपको समझ नहीं आता कमेंट्स में जरूर बताइए, और इस तरह के अच्छी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के ऑन नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि आप नई नई वीडियोस मेरे आते रहें और जब इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो भी आप इसको रीड कर सकें। ये काफी सिंपल है, इससे आप कंप्यूटर का मैथ बोल सकते हैं और ये स्टार्टिंग है एबीसीडी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत आसान होती है, इसी को करने के बाद आपको नॉलेज हो जाती है कंप्यूटर को आप किस तरह से कमांड्स दे सकते हैं, बिना माउस की मदद से आप कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।